इंडिया और अफगानिस्तान की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है और सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इसको हम कहां देख सकते हैं और भैया फ्री में कहां देख सकते हैं ये बताओ। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब से सीरीज स्टार्ट होनी है और कहां पर आप इसको फ्री में देख सकते हो। लेकिन उससे पहले मुझे गौतम गंभीर की वो बात याद आ गई जब गौतम गंभीर ने कहा था कि इस बार T20 वर्ल्ड कप में कुछ टीम्स ऐसी हैं जो इंडिया को बहुत परेशान करने वाली है और उस टीम में एक नाम उन्होंने अफगानिस्तान का भी लिया था। लेकिन इस सीरीज में शायद वो थोड़े से कम परेशान करेंगे क्योंकि उनके साथ राशिद खान फिलहाल नहीं है। राशिद खान जो कि लोअर बैक इंजरी से जूझ रहे हैं उसकी रिकवरी में है। BPL भी उन्होंने मिस कर दिया था, ऐसे T20 भी उन्होंने मिस कर दिया और अब वो T20 जो सीरीज अभी यहाँ पर होने वाली है इंडिया में वो भी मिस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर खलने वाली है। IPL में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे इस पर अभी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम उनको मिस जरूर करने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो दौरा होने वाला है इसमें पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा और ये दोनों टीमों के बीच में 3 T20 सीरीज होगी। ये बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान, अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया को अफगानिस्तान ने बायलैटरल सीरीज में हराया हो, खासकर T20 में। रोहित शर्मा वापस से बतौर कप्तान आपको दिखेंगे काफी समय के बाद, क्योंकि जब से सेमीफाइनल में इंडिया को हार मिली है उसके बाद रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए T20 नहीं खेला था। लेकिन अब जब रोहित शर्मा वापस आए, अब जब विराट कोहली वापस आए T20 में, तो काफी लोगों को काफी उम्मीद है और लोग काफी एक्साइटेड भी हैं। अब अफगानिस्तान अगर उलट फेर कर देता है तो गौतम गंभीर की वो बात सच हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं कि कब शुरू होगा और कहां पर आप इसको फ्री में देख सकते हैं। तो 11 तारीख को ये मुकाबला शुरू होने वाला, 11 मतलब गुरुवार को ये मुकाबला शुरू होगा और आप इसको 7 बजे शाम में देख सकते हैं। उसके बाद अगर टॉस की बात करें तो आधा घंटे पहले हो जाता है, एज यूजुअल 6:30 बजे के आसपास टॉस हो जाएगा और इब्राहिम जादरान जो कि उनके ओपनिंग बैटर हैं, सलामी बल्लेबाज हैं, वो मैदान में बतौर कप्तान उतरेंगे और इस मैच को आप स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकते हैं। और वही अगर OTT प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आप इस मैच को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। जियो सिनेमा पर फ्री में आप इस मैच को देखोगे, मतलब आपको अलग से कोई मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप इस मैच को फ्री में देखोगे। और वही बात करूं अगर स्पोर्ट्स 18 की, तो स्पोर्ट्स 18 पर आपको अभी होने वाली ऑलमोस्ट सारी बायलैटरल सीरीज, जो इंडिया वाली बायलैटरल सीरीज है, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप टीवी पर देख रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स 18 पर मिल जाएगी, अगर आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे हैं तो आप इसको जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। अब ये 3 मैच की T20 सीरीज में देखना यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि वापस आ रहे हैं काफी टाइम के बाद, ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि मैं तो पर्सनली ये चाह रहा हूं कि विराट कोहली बतौर ओपनर आपको इस टीम में दिखें, क्योंकि जब हम RCB उनको बतौर ओपनर देखते हैं या फिर जब जब उन्होंने इंडिया से बतौर ओपनर खेला है, जो कि 9 मैच ही खेले हैं, लेकिन उसमें उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा, एवरेज भी काफी अच्छा रहा, लगभग 54 का एवरेज रहा है और 161 का स्ट्राइक रेट रहा है। तो अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने करी है ऊपर आकर के, तो एक और मौका मुझे लगता है कि उनको मिलना चाहिए। और गिल को या फिर यशस्वी को आप नंबर 3 पर देख सकते हैं, हालांकि यशस्वी भी अच्छे अटैकिंग बैटर हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे इंडिया के लिए। और 3rd नंबर पर आप यशस्वी या फिर शुभमन गिल, दोनों में से किसी एक को देख सकते हो। आपको क्या लगता है, क्या यशस्वी शुभमन गिल 3rd पर बेहतर हैं या फिर ओपन करते हुए ही देखें तो बेहतर हैं? और अगर आपके फ्रेंड्स ये सोच रहे थे कि भाई कहां पर इस मैच को देखना है और कहां पर इसको फ्री में देख सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कहां पर आप देख सकते हैं। उन फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जाते चैनल को सब्सक्राइब करें।